आज हम वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन को मिलने वाले हैं। सोच में पड़ गए ना कि ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? अरे हम स्वयं। आज हम अपनी मुलाकात स्वयं से ही करने वाले हैं। हाँ जी, हमारे जीवन में हम जीते हैं दूसरों के लिए। हमेशा हमारी पसंद नापसंद, हमारा पहनना, हमारे शौक ना, हमारे तौर तरीके सब दूसरों के लिए है। फिर मेरा अस्तित्व कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? और मैं स्वयं मेरे लिए क्या करती हूँ? इन सब बातों को आज हम लेकर आए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप बहुत अच्छे तैयार हुए, अच्छे सजे, मेकअप अच्छा लगाया, अच्छे गहने पहने और बहुत ही उमंग उत्साह से तैयार होकर आप कहाँ पर गए? जहाँ आप गए, बाकी सब भी उतने ही अच्छे तैयार होकर आए थे। और आपकी तरफ लोगों ने देखा, आपसे मिले भी, आपसे बातें भी की, लेकिन 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 आपकी तारीफ नहीं की। आपको पूछा ही नहीं कि ये साड़ी आपने कहाँ से खरीदी, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये साड़ी का कलर बहुत अच्छा है, ये गहने बहुत अच्छे हैं, आपने हेयर स्टाइल अच्छी बनाई है। ये कॉम्प्लीमेंट, ये तारीफ किसी ने नहीं की। नतीजा क्या हुआ? उमंग उत्साह से आप पार्टी में गए थे या किसी के घर गए थे, सिर्फ उन्होंने तारीफ नहीं की, उसकी वजह से आपका मूड चेंज हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया, आपका मूड मुरझा गया, आप खिला हुआ चेहरा आपका मुरझा गया। अब यही चेकिंग पॉइंट है। पहला, आप अपने आप से पूछिए कि जब आप तैयार हुए तो आप अपने लिए तैयार हुए थे या फिर दूसरों के लिए? आपने श्रृंगार अपने लिए किया था या दूसरों के लिए? तैयार होने के बाद सेल्फी फोटोग्राफ आपने अपने लिए लिया था या दूसरों के लिए? अक्सर करके हम करते वो है जो हमें पसंद है। आपको सजना संवरना पसंद है, आप सजे, आपने श्रृंगार किया, एकदम टिप टॉप रॉयल तैयार होकर आप कहाँ गए? क्योंकि वो आपकी इन बिल्ट नेचर है, क्वालिटी है, आपके अंदर वो गुण भरे हुए हैं। पर जैसे आप कहाँ गए, आपने अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया। अब वहाँ पहुँचने के बाद से फिर वहाँ से निकलने तक आपने अपना कंट्रोल सामने वाले को दे दिया। अगर वो तारीफ करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, अगर वो आपको आपकी साड़ी के बारे में कुछ कहेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। तो हमने हर मोड़ पर हमारी जीवन की खुशियों को दूसरों के ऊपर निर्भर कर दिया। और ये दूसरे हैं कौन? ये दूसरे, ये सोसाइटी आपको कहेगी कि हाँ, आपको कुछ भी हो जाए ना तो हमें फ़ोन करना, हम आपके लिए पक्का आएंगे, हमें याद करना, हम एक ही फ़ोन में आपके पास आकर खड़े हो जाएंगे। और यही दुनिया जब भी आप प्रॉब्लम में, तकलीफ़ में होंगे, कोई नहीं आएगा। और इसीलिए कहा जाता है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों।
क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इस चंद गानों की लाइंस और पंक्तियों से हम हमारे जीवन में झांक सकते हैं कि हमारे जीवन में कितने सारे ऐसे पात्र हैं जो फैमिली फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है, या हमारे रिश्तेदार हैं जो हमें ये सब वादे करते हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो कोई भी हमारे साथ नहीं होता। ये सिर्फ वादे कस्में बनकर रह जाती है, वो प्रैक्टिकल में जल्दी ये सच नहीं होता है। अभी दूसरी बात हम देखते हैं, हम हमारे घर को, हमारे परिवार को बांध के रखते हैं, परिवार में हर एक की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, हमारे बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से बड़े करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, उनको जो चाहिए वो हम देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब भी उन्हें माँ बाप का सहारा बनना होता है, तभी वो बच्चे हमारे साथ नहीं होते हैं, या तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर जॉब करने चले जाते हैं, बाहर अपनी दुनिया बसा लेते हैं। और यहाँ तक भी आजकल का तो दौर चल रहा है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख कर आते हैं। अब यहाँ पर भी एक ऐसी चेकिंग पॉइंट है कि क्या सही में हमारे बच्चे, जिनके लिए हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, हमारा श्वास, समय, संकल्प, हमारी इच्छाएं, हमारा त्याग, बलिदान, उसका मोल क्या है। कहा गया है, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान कसमें वादे प्यार वफा सब बातों है बातों का क्या। यही जीवन की सच्चाई है जिसे अपनाने में होती है। बात तो बहुत सही है ना, कि जब हम मिट्टी में मिल ही जाना है, माटी के हम पुतले हैं, मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है। ये जीवन का बहुत ही अचल सत्य है जिसे हम मनुष्य आत्माएं अपना नहीं सकते। फिर तो और एक बात हम सुनते हैं, वही कि जैसे हम हमारे परिवार को, हमारी फैमिली फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों को ऐसा मानते हैं कि ये अपने हैं, और जब अपने ही अपना दिल तोड़ते हैं तो कैसे कांटे चुभते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में होती रहती है कि जहाँ पर
एक दूसरे का दिल टूटते रहता है और बातें भी छोटी होती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, पर कोई झुकना नहीं चाहता, कोई संबंध को बनाए रखना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान अहंकार और देह अभिमान में रह रहकर इतना अकड़ गया है कि झुकना तो भूल ही गया है, और इतनी अकड़ की वजह से इंसान रखड़ जाता है। सुनते हैं आगे। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। कि दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। के देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जिंदगी की ये सच्चाई जब हम सुने, हम जब उसको अपनाएं, और जब हम हमारे मन में उसके लिए चिंतन करें, तभी ही हम समझ सकते हैं कि ये मोह माया एक ऐसी जाल है जिसके अंदर हम फंसते ही जा रहे हैं। तो अब हम किस पर भरोसा करें, हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है, और हमारे जीवन में हमारा सच्चा साथी कौन है। बहुत ही सहज इस क्वेश्चन का समाधान है। हमारे जीवन को हम ऐसे जिए कि जहाँ पर ना हमें किसी के लिए अटैचमेंट हो, मोह हो, माया हो। अगर हम ये सोचे कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, जो हम अच्छे कर्म यहाँ पर करेंगे, उस अच्छे कर्म को बोएंगे, तब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें अवश्य मिलेगा। दूसरा, सबसे अच्छा साथी है भगवान, क्योंकि भगवान हम जैसे हैं, जहाँ भी है, जो कर रहे हैं, जो भावना से उसको भज रहे हैं, वो सब को अपने अंदर समा लेता है। हम कभी भी मंदिर में जाएंगे तो कभी आपने भगवान को रूठे हुए देखा है? उदास चेहरा भगवान का कभी भी देखा है? नहीं देखा है। लेकिन मनुष्य, हम बातों बातों में रूठ जाते हैं और फिर हम कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, पर अपने आप को पूछो कि भगवान की कितनी मानते हैं। तो आज इन सब बातों को सुनकर जानकर हम अपने मन और बुद्धि में इसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, इसको सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, और अगर हमें ऐसा लगता है कि जो बात मैंने कही है वो सही है, तो मैं आप सब से अनुरोध करूंगी कि आप सब सहज राजयोग सीखिए, राजयोग मेडिटेशन। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सहज राजयोग का कोर्स निःशुल्क किया जाता है, और आज का ये महामारी के टाइम में सब ऑनलाइन क्लासेस
लिए जा रहे हैं, तो कोई भी नज़दीकी आश्रम में जाकर आज ही अभी ही अपना नाम लिखवा दीजिए, इसके पहले कि देर हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।